हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ये देखिए गाइस, नियाल कपड़े जो इधर उधर फैला रखे हैं इसने, उनकी तय कर रहा है। और टाइम 3 बज गए हैं और आदि गांव में रह गया था, तो आज आदि आ रहा है। तो आदि आ रहा है अपने ताऊजी के लड़के के साथ, तो वे रोहतक स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं। तो उसके पापा चले गए हैं उन्हें लेने के लिए, तो मैं बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ। बच्चों को भूख लग रही होगी, बच्चों को लग रही होगी भूख, क्योंकि बच्चे चले हुए थे सुबह के, और सुबह के चले थे, पता नहीं कुछ खा के भी चले ही नहीं चले। तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़ी। मैं पहले ही बनाने लग गई थी, तब तक बच्चे आएंगे तब तक पकौड़ी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने बेसन करके रखा है इसमें, तो ये रखे हुए हैं आलू और बेसन। यहाँ पे मैंने कुछ पकौड़ियाँ डाल दी हैं इसमें कढ़ाई में। तो आदि को 2-3 दिन हो गए थे, वहीं पे था गांव में ही, मन भी नहीं लग रहा था वैसे तो उसके बिना। तो अब आ जाएगा तो सच्चा पकौड़ी बना देती हूँ, बच्चे खुश भी हो जाएंगे और पेट भी भर जाएगा उनका। ये भी नहीं पता गया सुबह कुछ खा के चले भी या नहीं चले। तो गाइस, ये आंटी जी ने यहाँ पे चटाई लगवा दी है बरामदे में धूप की वजह से, तो यहाँ पे भी कमरा सही हो गया है बरामदा भी। ये देखिए 3-4 चटाई लगवा दी है यहाँ पे, ये देखिए, तो अच्छा हो गया है यहाँ पे भी। और अब मैं पकौड़ी तार लूँ, कढ़ाई मेरी हो रखी है गर्म। ये कड़ू अंदर जाओ वो बाथरूम मैं इधर से नहीं आ सकती। आ नहीं रहा बारा, जल्दी आ जा, आ जा कमीन। तू बैठा क्यों था नंगा? कोई नुका हुआ कितना बदतमीज बच्चा है। तो गाइस, अभी बज गए हैं शाम के 6 और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, मुझे गर्मी ज़्यादा लगा तो मैंने ढीले ढाले कपड़े पहन लिए। और मैं दाल चावल बनाने वाली थी, लेकिन बच्चे बोले कि दाल चावल मत बनाओ, हम दाल चावल नहीं खाएंगे। तो आदि बोल रहा था मम्मी जी चाप बना लो, तो बाजार पहुंच गया चाप लेने। अभी मैं कह रही थी लेट हो रही हूँ, देर हो जाएगी बनाने में, टाइम लगता है। इधर मैंने दूध रख दिया है उबालने के लिए, इधर चावल रखे हैं, तो चाप के साथ बनाऊँगी चावल और रोटी भी बनाऊँगी। तो अच्छा, बस बच्चे की जिद थी तो पूरी करनी है। पानी रख दिया मैंने चावलों का, चावल उबल जाएंगे तब तक वो चाप लेकर आएंगे। तब तक एक काम तो अपना घटा ही लूँगी और बाकी प्याज वगैरह काट लूँगी। टमाटर भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टमाटर भी ख़त्म हो रखे हैं, मैं लाई भी नहीं थी टमाटर। मैं सोच रही थी 2-3 दिन का गुजारा तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन चाप बनाऊँगी तो उसमें टमाटर लगेंगे ज़्यादा, इसलिए टमाटर भी लेकर आएंगे वो। पर टमाटर टमाटर थोड़े से पड़े, 2 टमाटर हैं बस, इनमें क्या होगा, इनमें कुछ होगा ना। तब तक दूध भी उबल जाएगा और बच्चे भी आ जाएंगे तब तक। बच्चे छोटे वाला तो बाजार चला गया अपने पापा के साथ में चाप लेने, और बड़े वाला चला गया हर्ष के साथ में घूमने के लिए बाहर। मैं भी तैयारी में लगी हूँ, अपने कर लेती हूँ शाम का काम। तो फ्रेंड, यहाँ हम लगे हैं आदि की फरमाइश पूरे करने में। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और इधर मैंने प्याज फ्राई करने के लिए डाल दी हैं, और टमाटर अभी आए नहीं है, टमाटर भी फ्राई करने हैं, उसके बाद ही करूँगी। और ये देखिए टमाटर मैंने धुल के रख दिए हैं, लेकर के आ गए हैं वो। और आदि की फरमाइश है आज के चाप बनाओ, और आते ही उसने फरमाइश कर दी थी, तो वही गया था अपने पापा के साथ में। इसमें प्याज रखी हुई हैं कुछ, और ये खीरे वगैरह सब लेके आ गए हैं, और हमने टमाटर भी धो के रख दिए हैं। मैं कर लेती हूँ टमाटरों को भी फ्राई। तो गाइस, यहाँ पे हो रहे हैं टमाटर और प्याज फ्राई, ये देखो।
इधर पानी रख दिया है चाप उबलने के लिए, इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सारी चाप पानी में डाल दूंगी, उबल जाएंगी। उबलने के बाद इन्हें करूंगी फ्राई। फ्राई करके चाप बनाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इधर टमाटर प्याज भी फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद इन्हें ग्राइंड कर लूंगी ग्राइंडर से, ब्लेंडर से। चढ़ा दिए लोहे की कढ़ाई, इसमें फ्राई कर रही हूँ चाप। और ये दो चार चंदे फ्राई कर दिए हैं, कटी हुई रखी है इधर। और ये टमाटर की और लहसुन प्याज की प्यूरी बना दी है। ये है मसाला, भिगो के रख दिया है। और ये दूध गर्म करके रख दिया है इधर। और लेट हो जाऊंगी आज बहुत ज़्यादा, आदि ने ना थिएटर जुड़वा दिया है, आते ही फरमाइश चालू कर दिया उसने। बच्चों की फरमाइश है, पूरी तो करनी पड़ेगी ही। तो गाइस, मैं अंदर खाना बनाने में लगी हुई हूँ और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं बैडमिंटन। और बच्चे ना बहुत खुश हैं कि भाई आया है और आदि भी आया है। तो इसका मतलब गांव में वैसे तो मन लग रहा था, लेकिन दो दिन से बोल रहा था कि भाई सब चले जाते हैं पढ़ाई में, कोई अपने काम पे, तो मैं अकेले रह जाता हूँ, मन नहीं लग रहा है, तो भाई मुझे छोड़ के आओ। तो हर्षी लेकर आया था इसको, और इसकी फरमाइश ऐसी है, वह जिद पे अड़ जाता है। वैसे तो मैं इसे मना कर रही थी कि कल बना दूंगी चाप, लेकिन ये बोला नहीं मुझे आज ही खानी है, तो ये आज ही लेकर के आ गया था अपने पापा के साथ में। तो मैं चाप की तैयारी में लगी हुई हूँ, तब तक बच्चे मस्ती कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो लगे हुए हैं बच्चे अपनी मस्ती में, और बच्चे ऐसे ही होते हैं, काफ़ी खुश हैं बच्चे, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, भाई के साथ में खेल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें भी अच्छा लग रहा है। गांव से कोई आता है ना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करे, जब कोई जाता है ना जब बहुत बुरा लगता है, लेकिन आज तो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं हमारे, ये देखिए किस तरह खेलने में लगे हुए हैं। और शाम का टाइम है, हल्का हल्का सा अंधेरा भी होने लग गया है, लेकिन बच्चों को तो मस्ती सूझी हुई है। ये देखिए मस्ती में लगे पड़े हैं। यहाँ पे खाना बनके हमारा रेडी हो चुका है, चाप बनके तैयार है। मैंने चाप और चावल बनाए हैं और रोटी भी डाली है थोड़ी। बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि आदि को चाप की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने सभी को करके नीचे ही दे दी थी कि नीचे ही बैठ के खा लो, क्योंकि बच्चे ना खाट पे बैठते हैं तो थोड़ा इधर उधर बखेर देते हैं, इसलिए मैंने बोला था। तो आदि बहुत खुश है क्योंकि उसकी फरमाइश पूरी हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो का भी हम यहीं पे करते हैं एंड। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।